मुझे लगता है पूरे हरियाणा में आजाद उम्मीदवारों में अगर काउंट की जाए तो सावित्री जिंदल सबसे भारी उम्मीदवार आजाद उम्मीदवारों में हिसार विधानसभा में पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सावित्री जिंदल हिसार से चुनाव जीतती है तो उनके दोनों हाथों में लड्डू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अस्त प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव है इस बार कुछ अलग तरह के समीकरण बनाते नजर आ रहे हैं, जहां एक और तीन बड़ी जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पार्टियां जो है हरियाणा के चुनाव में हिस्सा ले रही है, वही दो क्षेत्रीय पार्टियां भी इसमें हिस्सा ले रही है, यानी कि पांच पार्टियां जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन पांचों पार्टियों पर जो आजाद उम्मीदवार है वो भारी पड़ते इस बार नजर आ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं हिसार की। हिसार की सीट पर सावित्री जिंदल, जिसको भारत की सबसे अमीर महिला कहा जाता है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। किस तरह के समीकरण बन रहे हैं वहां पर, ये जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पर भारी पड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि हिसार की जो विधानसभा सीट है उस पर इस बार किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। मेहरा साहब, इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, कुछ अलग तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। इस बार जो इंडिपेंडेंट है, आजाद उम्मीदवार है, चाहे वो दूसरी पार्टियों से बागी होकर आए, कहीं ना कहीं पार्टियों पर बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र जिन पर हमने पीछे भी चर्चा की थी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम चर्चा करें हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, और वहां पे सावित्री जिंदल जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उसके बाद बागी होकर, क्योंकि टिकट नहीं मिली उनको, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है कि इन तीनों में से अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सावित्री जिंदल, कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है हिसार में? देखिए, पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि वो बागी उम्मीदवार है या कैसे है, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी या नहीं की थी। तो एक बार खबरें आई थी, भारतीय जनता पार्टी की स्टेज पे भी थी वो, और खबरें ये आई थी कि सावित्री जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी तो बाद में उन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में, इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपना नामांकन फाइल किया, और उन्होंने कह दिया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक जो सदस्यता है वो ग्रहण नहीं की थी। तो इसलिए कल जो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है, जिनको पार्टी से निकाला गया, निष्कासित किया गया, तो उनमें सावित्री जिंदल का नाम नहीं है जी। इसलिए मान सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो औपचारिक सदस्य नहीं थी। अब बात करते हैं हिसार सीट की। हिसार एक बहुत महत्वपूर्ण सीट जिला माना जाता है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिसार ने दो दो जो है मुख्यमंत्री दिए हैं जी। भजनलाल हिसार डिस्ट्रिक्ट से मुख्यमंत्री है, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इससे पहले चौधरी बंसीलाल जी, जो पुराना हिसार डिस्ट्रिक्ट, उसको भिवानी जिला जो हिसार में आता था, भिवानी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पुराना जिला उनका हिसार ही था। तब जो जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो हिसार डिस्ट्रिक्ट ही माना जाता था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉलिटिकल राजधानी अगर हरियाणा की कही जाए तो कोई इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र भी और जिला भी, बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टि से माना जाता है जी। जी, तो अब की बार भी ऐसा ही है। हरियाणा में जो हिसार विधानसभा सीट की आपने जो बात की है, शुरुआत की है, तो वहां पे दो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का, एक जो डॉक्टर कमल गुप्ता है वो चुनाव मैदान में है, और कांग्रेस से रामनिवास राणा है जी। तो दोनों मुख्य जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं, और इसके अलावा जो जो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार की हम बात करते हैं तो फिर सबसे पहले नाम उनका सावित्री जिंदल का आता है जी। सावित्री जिंदल मुझे लगता है पूरे हरियाणा में आजाद उम्मीदवारों में अगर काउंट की जाए तो सावित्री जिंदल सबसे भारी उम्मीदवार आजाद उम्मीदवारों में हिसार विधानसभा में पड़ रही है। बिल्कुल ठीक, और दोनों के लिए चुनौती बनी हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए, हाँ, कहीं ना कहीं उनकी नींद उड़ाई हुई है, दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बनी हुई है जी। और ऐसे में क्या उलट फिर वो कर सकती है, वो तो 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, उसमें पता चल पाएगा जी। बिल्कुल, लेकिन अभी दोनों पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत उन्होंने खड़ी की हुई है, और उनका दावा भी बनता है
उनका अपने वोटर पर हक है, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है। तो अगर मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता हिसार में 170,000 से भी मुझे लगता है कुछ अधिक है, ज्यादा है। तो उसमें है ज्यादातर जो वोटर है वो वैश्य समुदाय के वोटर है, और उसके बाद आता है उनका 32,000 के आसपास तो, या थोड़े बहुत कुछ ज्यादा वो पंजाबी समुदाय के वोटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैश्य समुदाय के वोटर और पंजाबी समुदाय के वोटर दोनों में आपस में एक मुकाबला है, और दोनों ही पार्टियों, कांग्रेस का भी दावा दोनों वोटरों पे है और भारतीय जनता पार्टी का। वही जो सावित्री जिंदल है वो वैसे समुदाय से आती है और देश की एक इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार घराने की एक से आती है, और पूरे भारत में अगर कोई अमीर महिला जिसको कह सकते हैं तो सावित्री जिंदल का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ऐसे देखते हुए उनका जो इंडस्ट्री हिसार में जो स्टील इंडस्ट्री उन्होंने स्थापित की हुई है बहुत लंबे अरसे से, उस इंडस्ट्री से काफी लोग, कम से कम 13-14,000 फैमिलीज उनसे जुड़ी हुई है, और उनमें वोट हो सकते हैं मुझे लगता है 15-20,000 तक वोट डायरेक्टली उस स्टील इंडस्ट्री से और जिंदल परिवार से जुड़े हुए हैं जी। उनका एक मुश्त वोट जाता है और इन पे काफी इनका अच्छा कम्युनिकेशन है अपने वोटर में और इनके इंडस्ट्री के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। इसलिए जहां भी जिंदल परिवार वोटर्स अपने वोटर्स को किता को इशारा करता है वहीं पे जो वोटर हैं जो स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग सारे जिंदल परिवार की तरफ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो वैश्य समुदाय के ज्यादातर वोटर, उनका मानना है कि वैश्य समुदाय के ज्यादा ज्यादा वोटर उसमें ये सावित्री जिंदल की तरफ होते हैं। सावित्री जब जब भी चुनाव लड़ा है इस फैमिली ने, आपकी बार पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं ये, और दो बार यहाँ से विधायक रहे हैं ओम प्रकाश जिंदल जी जी, इनके इनके पति हैं थे, और दो बार ये पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे, आपकी बार पांचवी बार अपनी किस्मत जो आजमा रही है, और इनका ये कहना भी है कि आपकी बार मेरा आखिरी चुनाव होगा। आप जैसा बता रहे हैं कि वैश्य समुदाय और बाकी कुछ समुदाय जो है या इनके जो कर्मचारी हैं, इस वजह से ये जो है कहीं ना कहीं दूसरे जो उम्मीदवार हैं उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लो ये आप जैसा कह रहे हैं उस तरह के समीकरण बन जाते हैं और ये जीतने के बाद किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर सकती है। देखिए राजेंद्र जी, अभी जीत हार की तो हम नहीं कह सकते कौन कैंडिडेट जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन अभी एक जो जो धरातल से फीडबैक हमें मिली है, जो पत्रकारों से बात करने पर हमें जो जो जानकारी मिलती है, जो सूचनाएं मिलती हैं, उससे लग रहा है आगे कहीं कहीं ये दोनों कैंडिडेट पर भारी है। तो भारी इसलिए है कि जो डॉक्टर कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके खिलाफ एक बागी उम्मीदवार है सरदाना जी, तो वो जो दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट के और वो मेयर भी रहे हिसार के, तो वो चुनाव मैदान में है। तो सरदाना जो है वो कहीं कहीं पंजाबी वोटर्स को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और पंजाबी वोटर उनकी तरफ जाएगा भी, तो इसलिए जो पंजाबी वोटर में डॉक्टर कमल गुप्ता का भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनका दावा था वो कहीं कहीं कमजोर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो हिसार में दूसरे जिंदल परिवार से दूसरे जो सुभाष चंद्रा है जो जो राज्यसभा में मेंबर भी थे, सांसद भी रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव हिसार में काफी है। उन्होंने भी सीधा सीधा अपना जो सावित्री जिंदल को अपना समर्थन देने की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनको कहीं कहीं प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उनको। तो दूसरा अब है जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है रामनिवास राणा, रामनिवास राणा भी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि ये जो दोनों कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इंडिपेंडेंट है जो सावित्री जिंदल है ये दो बार विधायक रहे, अभी निवर्तमान भी विधायक भी है डॉक्टर कमल गुप्ता, तो वो दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं रामनिवास राणा। तो रामनिवास राणा दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार वो 33,000 कुछ वोट उन्होंने प्राप्त किए थे और तीसरे स्थान पर वो रहे थे जी। तो अब की बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उनपे दाव खेला है,
तो ऐसे में लगता है जो वोट का अगर हम समीकरण देखते हैं तो जैसे वैसे वोट की हमने बात की है वो साउथी जिंदल के पक्ष में जा रहा है ज्यादातर, और इसके साथ साथ जो जो उनका इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वोट, स्टील इंडस्ट्री से हाँ, जो उनके कर्मचारी हैं जिंदल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वोट वो सारा का सारा उधर जा रहा है साउथी जिंदल की तरफ। अगर इतना सारा वोट एक तरफ अगर जाता है तो फिर कहीं कहीं माहौल जो हाँ, किसी भी उम्मीदवार के रूप में फेवर में जाता हुआ कहीं कहीं दिखाई देता है। जी जी, तो जैसे पंजाबी वोटर की हमने बात की, पंजाबी वोटर सरदाना जी को और डॉक्टर कमल गुप्ता का जो एक दावा है उधर भी पंजाबी वोट का है, लेकिन अब की बार कुछ समीकरण भारतीय जनता पार्टी के सरदाना ने जो मेयर रहे हैं हिसार के, कहीं कहीं उसमें थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। तो उधर जैसे हम कांग्रेस उम्मीदवार की बात करते हैं तो रामनिवास राणा जो सैनी बिरादरी से आते हैं तो उनका भी एक दावा कि सैनी वोटर मेरे साथ आएंगे और एससी वोटर मेरे साथ होंगे, और जो जो ग्रामीण मतदाता है जिनमें जाट ज्यादा जाट, हालांकि जाट वोटर्स हिसार में बहुत कम है, 4-5 हजार के पास मुझे लगता है जाट वोटर्स है शायद, तो उनका जाट वोटर पे सैनी समुदाय के वोटर्स पे और एससी समुदाय के वोटर पे उनका दावा ज्यादा है। अगर ये तीनों बिरादरी जाट समुदाय किसान परिवार जो है और एससी समुदाय के लोग हैं और जो श्रेणी समुदाय के लोग हैं, तो अगर इनकी तरफ एक मुस्त इनको रामनिवास राणा कांग्रेस की तरफ आते हैं तो ये भी कहीं कहीं भारी उम्मीदवार है। लेकिन जो हमने बातचीत की जैसे वोटों का अगर समीकरण देखेंगे तो कहीं कहीं सावित्री जिंदल आज भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके कहने का मतलब ये कि जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, तो वोटर जो है वो बट जाएगा कि कुछ, जैसे आपने बताया कि राणा साहब कहते हैं कि मेरे साथ जो है वो ओबीसी का वोटर हो जाएगा, दूसरा वोटर हो जाएगा, सरदार साहब कहते हैं पंजाबी वोटर हो जाएगा, तो जो मेन जो वोटर है वो कहीं ना कहीं सरदार जिंदल के पक्ष में जाता है आपके हिसाब से नजर आ रहा है। हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन अभी आपने जो क्वेश्चन किया था आपने जो प्रश्न, हाँ मैं उसी सवाल पे जा रहा था कि अगर जीत पर हाँ अगर इनकी जीत होती है तो वो किस तरफ जा सकती है। देखिए राजेंद्र जी, ये मैं एक बड़ा ही रोचक यहाँ पे एक मामला आने वाला है 8 अक्टूबर के बाद, जो अगर जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जो जो चुनावी समीकरण है जो मतगणना के सॉरी वोटर समीकरण आ रहे हैं उसमें कहीं कहीं सावित्री जिंदल का जो नाम है वो चिता उम्मीदवारों में सबसे नजर आ रहा सबसे आगे। जब जीतने के बाद सावित्री जिंदल कहाँ जाएगी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सावित्री जिंदल 2 बार जो कांग्रेस में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके पति कांग्रेस के लीडर रहे हैं, कांग्रेस में पहले विधायक रही हैं और मिनिस्टर रही हैं जी, और अब की बार इनके बेटे नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं कुरुक्षेत्र से जी। तो अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आती है, तो सीधी सी बात है सावित्री जिंदल का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना तय है अगर वो जीत जाती है तो। अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा हरियाणा में आती तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और ये आप मान के चलो कि सावित्री जिंदल उसके बाद उसमें है ना ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का साथ देंगी जी। तो अब कहा जा सकता है कि जीतने पर, हालांकि हरियाणा में जो 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 इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं उन्होंने अपने अपने समीकरण साधना शुरू कर दिया है, किस पार्टी के साथ जाए किस पार्टी के साथ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सावित्री जिंदल हिसार से चुनाव जीतती है तो उनके दोनों हाथों में लड्डू है। अच्छा, चाहे किसी पार्टी की सरकार आए लेकिन सावित्री जिंदल का समर्थन डेफिनेटली होगा। और एक बात और देखने वाली है, पिछले दिनों एक जो वीडियो वायरल हुई है जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है और केंद्र में ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल जी की, जो एक बच्चे को एक लड़के को युवा को जो धमका रहे हैं जरूर हाँ, उसको को इसके इससे यहाँ से बाहर निकालो हाँ, जी जी मत कैसी होगी हाँ, उसने कहा भी तो जीतेंगे। उससे पहले जो अपना बयान जो अपना भाषण कर रहे थे मनोहर लाल जी, उन्होंने ये कहा था कि हिसार के विधायक की हरियाणा सरकार बनाने में बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जी, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस पार्टी के विधायक की महत्वपूर्ण भूमिका जी, जी जी जी, उन्होंने पर्टिकुलरली विशेष रूप से ये कहा था कि हिसार के विधायक की एक सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए तुरंत उस लड़के ने जब पलट के जवाब दिया था कि सरकार तो भाजपा की आएगी लेकिन आपका हिसार में वो कैंडिडेट जो हारेगा, जो हार रहा भारतीय जनता पार्टी है, इस पर वो ताव में आए थे या गुस्सा किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इसको बाहर निकालो, पहले उनको ये कहा कि बुलाओ, इसको इधर बुलाओ, फिर बाद में बाहर निकालो। तो उनके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि जो हिसार का विधायक जो होगा आपकी बार, तो उसकी जो सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आज जो 8 अक्टूबर के बाद जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, अगर सावित्री सिंधल चुनाव में जीतती है तो उनके दोनों हाथों में लड्डू। सो दोस्तों, हिसार में चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते या कांग्रेस, लेकिन इंडिपेंडेंट जो है सावित्री जिंदल जो है उनके हाथ में लड्डू रहेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पार्टी जीते सावित्री जिंदल के लिए अच्छा ही होगा, सावित्री जिंदल के फेवर में ही चीजें जाएंगी। सो दोस्तों, इस तरह के अपडेट देखने के लिए, चुनावी चर्चा देखने के लिए देखते रहे अर्थप्रकाश टीवी। अगर आपका कोई सुझाव है या आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आपके सुझाव का वेलकम है, स्वागत है। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद राजेंद्र जी।